हिमाचल प्रदेश से। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा शहर में प्रसिद्ध माँ बगलामुखी का मंदिर, जहाँ पर भक्तजन बड़ी दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर माँ के पवित्र ज्योति जो सालों से लगातार जल रही, वही भक्तजन आकर यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बताया जा रहा है कि भक्तजन यहाँ पर हवन भी करवाते हैं। 10 विद्याओं में से माँ बगलामुखी देवी का यह मंदिर है। भक्तजन अपने घर की सुख शांति के लिए, ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए यहाँ पर हवन करवाते हैं। सभी राजनीतिक लोग यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुनील दत्त की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी। आज इंडिया टीवी की टीम जो है हिमाचल के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में पहुंची है। यह बहुत प्राचीन मंदिर, बड़ा पवित्र मंदिर है। यहाँ लोग आकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपनी विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु नाश के लिए यहाँ पर हवन और यज्ञ किया जाता है। हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो पंडित जी, पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये मंदिर का विस्तार कब होगा? सिद्ध पीठ माता श्री बगलामुखी देवी जी का मंदिर है जी। ये 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या के रूप में पूजी जाती है जी। भगवती के अवतरण की कथाएं किंवदंतियों के अनुसार सतयुग से मानी जाती है कि भगवती का अवतार जो है सतयुग में हुआ था। एक शंखासुर नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करके ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त किया। आसुरी बुद्धि होने के कारण उस विद्या का प्रयोग जो है गलत प्रयोग करने लगा, जिससे सृष्टि का नाश होना जी शुरू हो गया। इस सबसे चिंतित होकर के ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, मुनि जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इस सृष्टि का नाश होने से बचाइए जी। तो भगवान शिव के आदेश अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री विद्या की उपासना करके भगवती को प्रकट किया जी। ऐसा जो है कथाओं के अनुसार प्राप्त। शर्मा जी, यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं जी। मेन जो हवन यज्ञ किए जाते हैं, इसका मेन महत्व क्या है? किस प्रकार के यहाँ यज्ञ और हवन किए जाते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, यहाँ पर जो पूजा अर्चना यज्ञ किए जाते हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यज्ञ जो आज से नहीं हो रहे हैं जी, ये यज्ञ जो है युगों युगों से यहाँ पर होते आ रहे हैं। पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान ने भी स्वयं मैया की पूजा की है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था मैया का रावण को मारने के लिए जी। शास्त्रों में भी कहा गया है, लंका पटी विध्वंस गिरी लंकेश रूपबंदी धाम महारावण कुल हरा महारावण हारी, माता को महारावण हारिणी भी कहते हैं जी। तो ये वर्णन जो है यज्ञ का जो विधान है ये प्राचीन काल से होता है। तो किस किस प्रकार के जो यज्ञ यहाँ किए जाते हैं? यज्ञ जो है यहाँ पर प्राचीन काल में 6 कर्मों के लिए किए जाते हैं जी। अब जो है कोई भी व्यक्ति अपनी मन की मनोकामना लेकर के आता है, उसके लिए यज्ञ किया जाता है। शत्रु बाधा हेतु, व्यापार वृद्धि हेतु, सुख शांति समृद्धि हेतु, इस तरह से यहाँ पर हर तरह की मनोकामनाओं के लिए अलग अलग तरह से यज्ञ किए जाते हैं। आपने देखा भी, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ये मंदिर है बगलामुखी का। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्थान पर आते हैं और नतमस्तक होकर माता से कामना करते हैं कि हमें नौकरी में, संतान में,